मेयर के सारना पैलेस में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश के कई नामचीन कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी और अपने काव्य पाठ से श्रोताओं का दिल जीत लिया। मौका था अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। मेयर का सारना पैलेस दर्शकों से खचाखच भरा रहा। अशोक भाटी, मुन्ना बैटरी, एकता भारती, कमाल अग्नि, प्राची मिश्रा ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को खूब लुभाया और लोगों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद गणेश सिंह मौजूद रहे। दूसरा विवाह करे लगता है फिर से बहार नई आई है, अगोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और राज की बात अगर सच सच बता दूं तो फिर एक भी हाथ खामोश मत रखना कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। कि बैंक में है इनकम, उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी पर फिर से महोत्सव की तालियां उठेंगी कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप। चूर चूर दम्ब चुनके समेटना पड़ा, चूर चूर दम्ब चुनके समेटना पड़ा। और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। लोग पूछे राम इस देश के लिए हैं क्या, चार पंक्तियां सुना रहा हूँ, समय कम है लेकिन उस बोले कलम के पहरेदार, जी हम कलम के पहरेदार। और अगले बंद में बताती हूँ कि सौ आंसू जब रोज बहाते एक भाव लिख पाते, सौ आंसू जब रोज बहाते एक भाव लिख पाते, कभी प्रियतमा कभी ठिठोली क्रोध ताव लिख पाते, कभी प्रियतमा कभी ठिठोली क्रोध ताव लिख पाते। लहू पिलाते जब अपना तब बनती ये तलवार, हाजी बनती ये तलवार, दिल में रख के हाथ ये बोले कलम के पहरेदार, जी हम कलम के पहरेदार। सादर नमन है मेरे सभी साथियों को। और जैसे कि आज इस माहौल के नाम पढ़ना चाहती हूँ, स्वागत है, सुनेगा, आज आप हैं, हम हैं और ये माहौल और यहाँ पर, कल आप कहीं होंगे, मैं कहीं होंगी, यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन चार पंक्तियाँ आपको याद रह जाएंगी, सुनेगा, स्वागत है, स्वागत। कि पात डाली के फिर से हिले ना हिले, पात डाली के फिर से हिले ना हिले, फूल बंजर में फिर से खिले ना खिले, फूल बंजर में फिर से खिले ना खिले, सामने आज है दिल में ला लीजिए, सामने आज है दिल में ला लीजिए, कल ना जाने तुम्हें। उसको नया क्लेवर दिया, मैंने उसको थोड़ी नई विस्तार दिया, उस विस्तार का आप आनंद लें। स्वागत है। 72 लोगों का स्टाफ है हमारे भोपाल में, 72, 22 है महिलाएं, 72 लोगों का स्टाफ, 22 महिलाएं, और हमारे जो प्यून है उसका नाम है प्राणनाथ। अब सोच के देखिए महिलाओं को कितनी दिक्कत, प्राणनाथ पानी पिलाना, प्राणनाथ जरा साफ से चेक पे साइन करवा के ले आओ, प्राणनाथ जरा रेक में से फाइल निकाल देना। तो 22 महिलाएं आपत्ति दर्ज करने के लिए पहुंच गई शाखा प्रबंधक के पास, ब्रांच मैनेजर के पास। वो एक सिंधी व्यक्ति है, प्रदीप कुमार गिरनानी, लोग उनको प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं पीके गिरनानी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।